को तो कोई गंदा नहीं करता है, तो दो दिन आप लोगों ने इतना गंदा किया तो यहाँ मंदिर को आप लोगों ने पूरा ये टॉयलेट बाथरूम भी सफा होता है, हम क्या बोल सकते हैं, इसको नाम दे नहीं सक रहा है, इतना गंदगी करके रखा था। तो आज हमारा दो एलसी ने बहुत सुंदर से सफा कर दिया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से गंदा ना करें। आप लोग जो बोतल लेके आया है पानी पीजिए, फिर पॉकेट में लेके घर में लेके जाइए, नहीं तो यहाँ वो तो कॉर्नर में रखा है वहाँ जरूर पहुँचा दीजिए, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। आप लोग सीनियर सिटीजन है, आप लोग अगर बाद में पता चलेगा कि यहाँ जो स्कूल लोग बच्चा लोग आप लोग इस प्रकार से यहाँ मिनरलिज्म दिखाता है तो उन लोगों का क्या होगा, इसलिए आप लोग गंदा फिर से मत कीजिए। हम लोग सफा करके गया है। तो दूसरा है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सामने में रास्ता के उस पार में इलेक्शन एजेंट इलेक्शन का जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस था, अभी वहां से पुलिस लोग खाली कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ में यहाँ जो गंदगी था सफा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमेशा सभी को अच्छा ही लगता है ना, तो अच्छा ही लगता है तो अच्छा ही काम करना चाहिए। तो प्लीज आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, फिर गंदा नहीं करना है। दूसरा है, अभी 19 तारीख आने वाला है, आप लोग तो 19 तारीख में फिर यहाँ से जिसका दो दिन एडवांस जाना है, एक दिन एडवांस जाना है, तो आप लोग जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो पोलिंग स्टेशन को अभी तक रेंडमाइज नहीं किया है, रेंडमाइज किया जाएगा। उसका करने का बाद आप लोग जो पोलिंग स्टेशन में जाएंगे तो बहुत दूर दूर में भी जाने वाला, सामने में भी जाने वाला, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव है, निष्पक्ष मतलब होता है इम्पार्शियल, आप लोग यहाँ भी चेहरा झलक के आता है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या कोई कैंडिडेट का बिलोंग करता है। तो आप जो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर आप लोग जब जाते हैं, बिल्कुल ही निष्पक्ष काम करना है, इम्पार्शियल होना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। और जितना भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, सारा ट्रेनिंग का तोरा से भी ये चूल का एक चूल का जगह इधर उधर करने के लिए कोशिश नहीं करना है।